हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। मीठे का नाम सुनकर मुंह में पानी आ जाता है। हमारे घरों में सफेद शुगर का भी खूब इस्तेमाल किया जाता है, खासकर चाय और कॉफी बिना चीनी के बेस्वाद सी लगती है। लेकिन ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि सफेद चीनी सेहत के लिहाज से एक हेल्दी चॉइस बिल्कुल नहीं है। तो आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं कि चीनी की जगह हम क्या खा सकते हैं ताकि मुंह की मिठास भी बरकरार रहे और सेहत भी बनी रहे। आइए तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर शक्कर इतनी खतरनाक क्यों है। ज्यादा शक्कर हमारे इम्यून सिस्टम पर नेगेटिव असर डालती है। चीनी को पचाना हमारे शरीर के लिए आसान नहीं होता। इससे शरीर में अतिरिक्त इंसुलिन बनता है, जिसके चलते हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। चीनी में कोई पोषक तत्व नहीं होते। चीनी बनाने में रासायनिक प्रक्रिया के दौरान उसमें मौजूद सारे पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं और केवल कैलोरी ही कैलोरी रह जाती है। ज्यादा चीनी का सेवन हमारे लीवर पर टॉक्सिक असर डालता है। ज्यादा मीठा खाने से मोटापा तो बढ़ता ही है, टाइप 2 डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा भी बढ़ जाता है। ज्यादा मीठा हमारे दिमाग पर नकारात्मक असर डालता है, जिसके चलते याददाश्त कमजोर होने लगती है। तो फिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम शुगर की जगह अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। मीठे स्वाद के लिए आप चाहें तो अपनी डाइट में खजूर शामिल कर सकते हैं। इसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं। खजूर एक नेचुरल स्वीटनर है और इसे न्यूट्रिएंट्स का पावर हाउस माना जाता है। इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है, जिससे एनर्जी मिलती है। इसे ब्राउन शुगर का अच्छा सब्स्टिट्यूट माना जाता है। यह शुगर क्रेविंग्स आसानी से कम कर देता है। गुड़, हमारे भारतीय घरों में तो गुड़ बड़ी आसानी से मिल जाता है और ये चीनी का सबसे बेहतरीन विकल्प माना जाता है। गन्ने से बना गुड़ चीनी से बेहतर है, क्योंकि चीनी की तरह इसे कई रिफाइनिंग प्रोसेस से होकर नहीं गुजरना पड़ता और इसमें मौजूद मिनरल्स बरकरार रहते हैं। गुड़ मीठा भी होता है और ये हमारे शरीर की सफाई भी करता है। ये हमारे शरीर में खून बढ़ाने में सहायता करता है। गुड़ से हमारा पाचन तंत्र भी बेहतर तरीके से काम कर पाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट और फाइबर मौजूद होता है, जो इसे काफी स्वास्थ्यवर्धक स्वीटनर बनाता है। आप चाहें तो गुड़ को हर उस चीज में मिठास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जहां आप चीनी का यूज करते हैं। स्टेविया। स्टेविया एक पौधा होता है जिसकी पत्तियों में मिठास होती है। स्टेविया की पत्तियों में शक्कर के मुकाबले लगभग 300 गुना ज्यादा मिठास है। इसमें कार्ब्स और कैलोरी की मात्रा भी कम होती है, जो इसे सफेद चीनी का बढ़िया अल्टरनेटिव बनाता है। शहद। शहद हम सभी को अच्छा लगता है, साथ ही इसके बहुत से स्वास्थ्य लाभ हैं। आप सफेद चीनी की जगह शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मिठास तो देती ही है, साथ ही हमारे हार्ट के लिए भी अच्छी होती है। यही नहीं, जो लोग वजन कम करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये एक बेटर ऑप्शन है। चीनी खाने से वजन बढ़ जाता है, जबकि शहद ना केवल वजन को कंट्रोल करता है बल्कि इसे बढ़ने से भी रोकता है। शहद एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुणों से भरपूर होती है। यह दूसरे नेचुरल स्वीटनर की तुलना में ज्यादा फायदेमंद होती है। चाय, दूध, नींबू पानी आदि में चीनी की जगह शहद का इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं। गन्ने का रस। शुगर से कहीं ज्यादा बेहतर है गन्ने का रस, क्योंकि इसे शक्कर की तरह रिफाइनिंग प्रोसेस से होकर नहीं गुजरना पड़ता। इसमें कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जैसे विटामिन बी, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीज आदि। खासकर गर्मियों के मौसम में गन्ने का रस आपको खूब एनर्जी प्रदान कर सकता है। फल। फलों में भी नेचुरल शुगर होती है। आप अपने मनपसंद फल का या तो मिल्कशेक बना सकते हैं या फिर इसका नेचुरल जूस बनाकर पी सकते हैं। इसमें नेचुरल स्वीटनर होता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप ऊपर से इसमें सफेद चीनी नहीं मिला रहे हैं। आप चाहें तो फलों को ऐसे ही खा सकते हैं मुंह में अच्छी मिठास के लिए। कई व्यंजन ऐसे भी हैं जिनमें आप फलों का एसेंस इस्तेमाल करके उनमें मिठास ला सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो सहायक और जानकारी पूर्ण लगा है। तो कृपया इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, शायद किसी की मदद हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।